न्यूज। और रायगढ़ जिले में 35 स्कूलों में दिशा मैजिक बस फाउंडेशन की तरफ से शिक्षा के प्रति रायगढ़ के BRC भवन में ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान बच्चों के सर्वांगीण विकास कराने की बात कही गई। रायगढ़ जिले के 35 स्कूलों में दिशा मैजिक बस फाउंडेशन की तरफ से शिक्षा के प्रति रायगढ़ के BRC भवन में ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान बच्चों के सर्वांगीण विकास कराने की बात कही गई और खेल के माध्यम से बच्चों को स्कूल तक जोड़ने का दिशा निर्देश दिया गया। और जो बच्चे अप्रवेशी शाला त्यागी हैं, उन्हें स्कूल तक जोड़ने की बात ट्रेनिंग के दौरान कही गई। और जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए HDFC बैंक के माध्यम से समय समय पर जूतों का वितरण किया जाता रहा है। इसी प्रकार ट्रेनिंग में 40 शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे और मास्टर ट्रेनर रघुनाथ नायर तथा मोहम्मद अजहर कुरैशी के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया। सर, ये दिशा मैजिक बच्चों के कार्य के प्रति किस प्रकार का है, आप बताएंगे? हम लोग दिशा परियोजना में मैजिक बस फाउंडेशन के तहत CC यानी समुदाय समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं अपने स्कूलों में। और जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, उनको दिशा परियोजना की ओर से हम लोग प्रयास करके अच्छा रिजल्ट आ चुका है पिछले दो सालों में आज के हिसाब से। और 2 सालों में जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, वो स्कूल से जुड़ाव हो गया है। इनको खेल के माध्यम से जो बताया जाता है, दिशा परियोजना के जो हमारे RPs होते हैं, उनको खेल के माध्यम से भी बताया जाता है, पढ़ाते हैं, तो बच्चों में एक रुचि जागृत हुई है। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को खुशी इस बात की है कि जो बच्चे स्कूल आना भी नहीं चाहते थे, वो आज स्कूल छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल स्कूल से जुड़ाव उनका लगाव हो चुका है। जी, धन्यवाद। ये किस चीज़ का ट्रेनिंग चल रहा है और क्या इसके बारे में? दिशा परियोजना जो है यहाँ रायगढ़ में संचालित है, और ये परियोजना जो है पूरे छत्तीसगढ़ में 5 जिलों में संचालित है, कोरबा, महासमुंद, मुंगेली और बिलासपुर। उसमें रायगढ़ में ये जो दिशा परियोजना है, ये कुल 35 स्कूलों में कार्यरत है। और उन 35 स्कूलों में हम दिशा परियोजना के तहत मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन और लर्निंग लिंक फाउंडेशन, इन दोनों के माध्यम से बच्चों में नए विकास की संरचना, नवाचार को लेकर के और खेल पद्धति के माध्यम से नए तरीके से हम उनके अंदर जो बदलाव लाना चाहते हैं, उसको लेकर के हम इस दिशा परियोजना में जुड़े हुए हैं। और उसी के अंतर्गत यहाँ पे हमारे साथ में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स जो इन 35 स्कूलों में हैं, उनके हमने स्पेशल ट्रेनिंग की हुई है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। और ये जो ट्रेनिंग है, ये विगत मार्च के बाद में अभी आयोजित है, और इसके तहत हम स्कूलों में नवाचार और विभिन्न नए अवस्थाओं को लेकर के जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको काम करने के लिए हम नहीं जी हम लोग पंचायत स्तर में जो है CC के रूप में काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर के रूप में विलेज कोऑर्डिनेटर। और ये जो कार्यक्रम है, ये दिशा कार्यक्रम, ये HDFC के माध्यम से उपफंडर है, पैसा ये लगाने वाला, और उसके माध्यम से पंचायत में जो है स्कूल को चयनित किया गया है। उसमें RP जो होते हैं वो प्रॉपर जो स्कूल को आते हैं और उन बच्चों पर काम करते हैं जो स्कूल से छूटे हुए बच्चे हैं, जो नियमित रूप से क्लास में जो है आने जाने में थोड़ा असमर्थ हैं, नहीं आ पाते, उन बच्चों को चिन्हांकित करके CC के माध्यम से हम लोग समुदाय बेस में जाके उन लोग बच्चे उनके माँ बाप पालकों को समझा के स्कूल तक लाना और उनको जो है अच्छा शिक्षा खेल के माध्यम से बताना, ये हमारा मुख्य काम है। और इसमें जो है हमारे शिक्षा विभाग के जैसे ब्लॉक के खंड के वो लोग जो हम पूर्ण सहयोग देते हैं और समय समय पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम को बच्चों के माध्यम से भी प्रखंड या ब्लॉक में जो उनको बुलाकर जो है कार्यक्रम जो है किया जाता है, जिसमें बहुत ही बढ़िया उन लोगों का रिजल्ट आया है और बच्चे इसमें रुचि ले रहे हैं और पालक भी इनमें अपना जो है योगदान दे रहे हैं और हमारा काम जो है दिनों दिन जो है बढ़ते जा रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। धन्यवाद। खरसिया से कृष्ण गोपाल डनसेना की रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़।